नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एमए उत्तरार्ध हिंदी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर कैलाश गहलोत। आज हम एमए उत्तरार्ध एमए फाइनल का जो छठा प्रश्न पत्र है उसके पाठ्यक्रम पर बात करेंगे। प्रश्न पत्र एक से लेकर पाँच तक आप एमए प्रीवियस में पढ़ आए हैं, एमए फाइनल में आप प्रश्न पत्र संख्या 5, 6, 7, 8, 9 और 10 पढ़ेंगे। इस तरह से यह आपके एमए फाइनल का पहला प्रश्न पत्र हुआ। हमारा यह छठा प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य के प्राचीन एवं मध्यकाल पर आधारित है, जिसके अंतर्गत आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल के कवियों का हम अध्ययन करेंगे। इकाई प्रथम में पृथ्वीराज रासो, जिसके रचयिता छंद वरदाई है, उसका हमें एक सर्ग या समय पढ़ना है जो कैमास वध के नाम से है। तो इकाई प्रथम जो है उसमें पृथ्वीराज रासो के कैमास वध से व्याख्या और उससे संबंधित आलोचनात्मक प्रश्न रहेंगे। इकाई द्वितीय जो है वह कबीर पर आधारित है। इकाई द्वितीय में हम कबीर वाणी पीयूष पुस्तक में संकलित कबीर के विविध अंग, जैसे मन को अंग, विरह को अंग इत्यादि, और कबीर के कुछ पदों का अध्ययन करेंगे। इकाई द्वितीय आपकी पूर्ण रूप से कबीर पर आधारित रहेगी। इकाई तृतीय में हम सूरदास के भ्रमर गीत सार का अध्ययन करेंगे। यह भ्रमर गीत सार जो पुस्तक है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित है। इसके कुछ चयनित पदों का ही हमें अध्ययन करना है। वह पाठ्यक्रम के अनुसार हम इसमें उनका अध्ययन करेंगे। तो इकाई तृतीय में भ्रमर गीत सार से संबंधित, भ्रमर गीत सार के पदों से संबंधित व्याख्या और आलोचनात्मक प्रश्न रहेंगे। इकाई चार में चतुर्थ इकाई जो है हमारी वह तुलसीदास पर आधारित है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के चयनित पदों का अध्ययन हम इकाई चार में करेंगे। इकाई चार में कवितावली के उन चयनित पदों से संबंधित ही व्याख्या और आलोचनात्मक प्रश्न के उत्तर आपको प्रदान करने होंगे। इकाई पाँच में हम दो कवियों का अध्ययन करेंगे, जिनमें बिहारी और घनानंद है। बिहारी की भिखारी प्रकाश जो पुस्तक है उसके चयनित दोहों का, और घनानंद की जो आनंद घन नाम से संपादित पुस्तक है उसके प्रारंभिक 25 पदों का अध्ययन हम इकाई पाँच में करेंगे। इकाई पाँच में आपको इन्हीं में से संबंधित व्याख्या और आलोचनात्मक प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। छठे प्रश्न पत्र, जिसका कि नाम प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य है, कि जो पाठ्य पुस्तकें हैं उन्हें हम देखें। जो आपकी इकाई एक है उसकी जो पाठ्य पुस्तक है वह पृथ्वीराज रासो कैमास वध, इसके संपादक माता प्रसाद गुप्त है। यह लोक भारती इलाहाबाद से प्रकाशित है। इकाई दो कबीरवाणी पीयूष नामक जो पुस्तक हमें पढ़नी है, जिसके संपादक जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह है, यह विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी से प्रकाशित है। और इस पुस्तक के जो चयनित अंश है वह सुमिरन और विरह को अंग एवं पद संख्या 1, 2, 8, 9 और 13 ही पढ़े जाएंगे। तीसरी इकाई जो सूरदास जी की है, उसकी जो पुस्तक है भ्रमर गीत सार, जिसके संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, उसके जो चयनित पद है 1, 3, 7, 8, 13, 19 से 25, 41, 44, 50 से 54, 60, 62, 64, 71 से 78, 88 से 94, 125 से 107, 110, 115 और 121, इन्हीं पदों का अध्ययन किया जाना है। इकाई चार में तुलसीदास जी द्वारा रचित जो पुस्तक है कवितावली, उसके उत्तरकांड की पद संख्या 73 से 109 तक का ही अध्ययन किया जाना है। इसके संपादक सुधाकर पांडे हैं और यह लोक भारती प्रकाशन इलाहाबाद से प्रकाशित है। इकाई पाँच में हमें बिहारी की बिहारी प्रकाश, जिसके संपादक आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है, यह किताब लोक भारती प्रकाशन इलाहाबाद से प्रकाशित है। इसके प्रथम 50 दोहे ही पढ़ने हैं। और इकाई पाँच में ही संकलित घनानंद की
जो रचनाएं जिसमें संकलित की गई है आनंद घन, जिसके संपादक रामदेव शुक्ल है, यह वाणी प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित है। इसके प्रारंभ के 25 पद ही पढ़ने हैं। तो इस प्रकार यह MA उत्तरार्ध हिंदी साहित्य के छठे प्रश्न पत्र प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य का पाठ्यक्रम है। हम इन पाठ्यक्रम से संबंधित जो वीडियोज़ है वो आपके ग्रुप में अपलोड होते रहेंगे। आप गंभीरता से उनका अध्ययन करें, समझें, और अगले वीडियो में हम जो है परिचित राज रासों पर बात करेंगे। धन्यवाद।